नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबने पिछला ब्लॉग देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो देख ले। और वो क्रूज के बाहर वाला नजारा था। आज इस समय मैं क्रूज के अंदर पहुंच चुकी हूँ और ये देखिए पूरी फैमिली मेरी है इधर। बर्थडे की तैयारी चल रही, केक वहाँ पे लग चुका है और बहुत खूबसूरत केक भी है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और ये सब अंदर क्रूज वालों की होती है, अगर आप सब भी कराना चाहें तो करा सकते। ये मामा जी देखिए जो कैप पहना रहे हैं, और वो बेटे के नाना नानी है, उसकी मम्मा है, उसके पापा पीछे ब्लैक शर्ट में खड़े, यानी कि मेरे देवर और देवर देवरानी। तो बस इधर मामी जी खड़ी हैं चश्मा लगाए हुए है, और वो वाली मामी जी नहीं है अब। तो सच में उनकी याद इस समय उनकी कमी बहुत खल रही थी, और क्या ही बोलूं उनके बारे में, बहुत अच्छी थी। वैसे लोग कहते हैं कि ना, जो लोग दुनिया में नहीं होते उनकी लोग तारीफ करते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दुनिया में थी तब भी बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत अच्छी हैं हम सब के लिए, और बहुत उनका प्यार और स्नेह मुझे मिला है। मैं घर की बड़ी बहू थी तो मुझे बहुत प्यार और स्नेह मिला, और सबके साथ बहुत समय मेरा बीता हुआ है। तो इन लोगों के साथ मेरा इतना समय बीता हुआ ना कि सबकी यादें मेरी आंखों में बसी हुई है, और रह रहे की याद तो आई जाती है मामी जी की। और आज सच में मैं बहुत थोड़ी सी भावुक हो गई थी इस सीन को देख के कि वो होती तो कितना खुश होती। तो चलिए देखिए इधर केक कटने की तैयारी हो रही है, आप सब इंजॉय करें, फिर आगे बात I'm gonna make you mine।
आया होगा। और देखिए मेरी सासू माँ अभी इधर बैठी हुई है यहाँ येलो सूट में, और मैं चल रही हूँ ऊपर, ऊपर का भी थोड़ा बहुत नजारा देखती हूँ। इधर तो खूब मस्ती हुई, खूब मजा आया, तो चलिए ऊपर वाला सीन दिखाती हूँ। ये देखो मेरा मुंह बोला दे रहा है, भैया मुंह बोला दे मेरा दे रहा है। जैसे मेरे सासू बहुत छोटा था, अब है क्या बड़ा, अब बेटा उतना बड़ा मेरा हो गया। देखिए मैंने कितने बच्चे देखे, और रामगढ़ ताल क्रूज पर लोग बैठे हैं और ये चारों तरफ का नजारा है, कितना खूबसूरत। ये देखिए नजारा, नजारों नजारों में दिल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लीजिए, ये लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं बड़ी बड़ी आंखें बार बार दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स ये नज़ारा बेहद खूबसूरत है और आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और चलती हूँ नीचे, क्योंकि पता चला है नीचे गाना गा रहे हैं, मेरे देवर गाना गा रहे हैं, और उसके बाद अभी मेरे सासू माँ, ससुर जी, नंद भांजी सबका डांस रह गया, तो उसको भी कैप्चर करती हूँ आप सबके लिए। तो चलिए नीचे चलती हूँ, सबसे पहले आप सभी को उनका गाना सुनवाती हूँ, उसके बाद डांस The next day. राधा, अच्छा तो नींद पूरी नहीं हुई है गाइस, और हम लोग रात में पहुंच गए थे, कहां पहुंचे मुझे खुद भी नहीं पता है। अब यहां से मैं निकलूंगी अपने घर के लिए और आप सभी को मिलूंगी घर पे। एनर्जी थोड़ी कम है क्योंकि थकावट ज़्यादा है, तो चलिए शुरू करते हैं सुबह से फिर आज की ब्लॉगिंग। मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और मैं रुकी थी गोरखपुर में, मैंने बता दिया आप सभी को, गोरखपुर देखिए आज कितनी शांति। सुबह सुबह मैं उठ के निकल पड़ी घर के लिए, थकान इतनी ज्यादा हो गई थी क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हुई थी, और इतना डांस सब लोगों ने किया था, पैरों में दर्द बहुत हो रहा था फ्रेंड्स। और फिर मुझे मिला नारियल पानी और मैंने पिया नारियल पानी, और वो लग रहा तेल, समझे आप सब, मुझे लग रहा था कि मैं नारियल का तेल पी रही, पता नहीं उसका पानी ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मतलब सुबह का टाइम था, कुछ भी लिया नहीं था, तो पेट में जाना भी जरूरी था, तो इसलिए पिया। इधर इन लोगों का चल रहा है, देखिए हम खा रहे भूजा, ये चना है, ये चावल है, मस्त खाएंगे इसको, खाएंगे इसे फाके, भूजा खाया नहीं जाता, भूजा फाका जाता है। किस किस को पसंद है, किस किस ने भूजा फाका, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर फ्रेंड्स मैं पहुंच गई बस्ती, और बस्ती जाके मैं बाजार न जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है, और वहीं मैं पैदा हुई बड़ी पली, तो मुझे वहां का मार्केट बहुत समझ में आता है, तो वहां जाके कुछ ना लूं ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, चाहे दुनिया जान की खरीदारी कर लूं, फिर घर आके बतासे खाई। और सब लोग देखिए मेरा मुंह ना फ्रेंड थोड़ा छोटा, मैं बतासे खा नहीं पाती, इसलिए लोग मजाक बना रहे थे, इसलिए वो लोग कैप्चर कर रहे हैं। दस का पाँच। और खाने के बाद फिर निकलना था लखनऊ, तो मैं पहुंच गई भाई के यहाँ, भाई को देखना था, भतीजी से मिली, भाई के पैर में फिर से फ्रैक्चर आ गया फ्रेंड, साल भर पहले भी भाभी का एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं कौन सा ग्रह दशा चल रहा है, भगवान सबको सही से रखे। बस छोटे वाले भाई के पास गई थी, बड़े वाले भाई के पास नहीं जा पाई टाइम की वजह से, तो बस यहाँ से मिलके मैं बढ़ चली लखनऊ के लिए। होप करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अब आप सभी को मैं मिलूंगी एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।